हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ के इस ऑनलाइन पोर्टल एजुकेशन पर स्वागत है। आज हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक है वो है एरर। एरर मीन्स त्रुटि। त्रुटि क्या है और त्रुटि से आपके पेपर में एक क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल सा आता है, लेकिन त्रुटि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपका ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। त्रुटि क्या होता है? त्रुटि को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझना होगा। दो चीज़ें समझना होगा, वो कौन क्या है? पहला नंबर है, एक होता है प्रमाणिक, प्रमाणिक मान, और दूसरा होता है प्रेक्षण मान, प्रेक्षण मान। ये दो चीज़ें आपको समझना होगा, तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि त्रुटि एक्चुअली में होता क्या है, एरर क्या होता है। प्रमाणिक मान का मतलब ये होता है कि हमने एक प्रमाण, एक जो है मान लिया कि ये एक वैल्यू फिक्स है। जैसे आपको ये पता है कि स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये एक प्रमाणिक मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करें कि प्रेक्षण मान क्या, हम प्रैक्टिकल करके, क्या हम इसको प्रेक्षण करके अपने द्वारा 9.8 ला सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं, हम 9.8 नहीं ला सकते हैं, बल्कि 9.7 ला सकते हैं, 9.6 ला सकते हैं, 9.9 ला सकते हैं, लेकिन कभी भी 9.8 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रमाणिक मान और प्रेक्षण मान के जो अंतर आता है, प्रमाणिक मान और प्रेक्षण मान के बीच का जो अंतर आता है वही आपका क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है। भाई प्रमाणिक मान तो आपका क्या है? फिक्स है। जो प्रेक्षण मान है वो आपका अलग अलग आता है, तो इनके दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं एरर, उसी को बोलते हैं हम त्रुटि। क्लियर है? तो प्रमाणिक मान आपका फिक्स होता है, प्रेक्षण मान फिक्स नहीं होता है। प्रेक्षण मान हर एक लोगों का अलग अलग आता है, तो प्रमाणिक और प्रेक्षण के मान के जो अंतर होगा वही आपका एरर होगा, उतना ही आपका एरर होगा। एक एग्जांपल और हम दे देते हैं, एक एग्जांपल से आप और समझ सकते हैं। जैसे कि आपका अगर कोई प्रेक्षण मान आ जाए 1/3, अब 1/3 को 3 को 1 से काटिए, क्या आएगा? 0.3333 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। ये आपका अनंत तक। लेकिन आप जब इसको फिजिक्स में नोट करते हैं तो पॉइंट का दो डिजिट ले लेते हैं, पॉइंट के दो तरफ दाहिने तरफ दो डिजिट आप लिख लेते हैं, बाकी सारी डिजिट छूट जाती हैं। तो अगर ऐसे कई जो है वैल्यू आप निकालते हैं और सभी डिजिट जितने भी ये छूट रहे हैं, इन डिजिटों को अगर हम देखें, ऐड करें, तो एक बहुत बड़ी जो है एरर बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो डिजिट के बाद ये जितने भी पॉइंट आते हैं ये सब एरर, आपका एक बड़ा एरर बनाते हैं। तो ये आपका वही त्रुटि है। तो दूसरे पहला तरीका तो ये हो गया कि इनके बीच के अंतर को हम एरर कहेंगे, या फिर ये जो त्रुटि छूट रही हैं ये एक बड़ी त्रुटि का निर्माण कर देती हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है, यथार्थता। यथार्थता, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी, ये आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। यथार्थता क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जैसे
कोई प्रैक्टिकल मान आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये आपका प्रमाणिक मान है। आपने जो प्रेक्षण के द्वारा निकाला, जो प्रैक्टिकल के द्वारा आपने जो वैल्यू निकाला वो 9.5 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.3 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.6 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीन प्रेक्षण मान आप जब निकाले हैं, इन तीनों प्रेक्षणों में अब हम देखेंगे कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नज़दीक कौन आ रहा है। तो 9.5 भी नहीं आ रहा है, 9.3 भी नहीं आ रहा है, 9.6 आ रहा है, यानी ये काफ़ी नज़दीक है 9.8 से। इसलिए हम इस वैल्यू को एक्यूरेसी मानेंगे, हम इस वैल्यू को यथार्थता मानेंगे और इसको जो है हम लेंगे, यानी 9.6 को ही जो है हम एक्यूरेसी मानते हैं। क्लियर है? चल, एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया। ये कुछ वर्ड थे जिनको समझना आपको ज़रूरी था। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम जब चलेंगे तो त्रुटि के होने के रीजन क्या है, कारण क्या है, त्रुटि के कारण, त्रुटि के क्या कारण है ये आपको समझना होगा। त्रुटि के कारण बहुत सारे हैं। पहला है यंत्रों के कारण, यंत्रों के कारण। दूसरा है प्रेक्षण के कारण, प्रेक्षण के कारण। तीसरा है यंत्रों के कारण हो गया, प्रेक्षण के कारण हो गया, और एक आपका और आता है जिसमें सब के सब त्रुटियां आ जाती हैं, आच्छादित, आच्छादित, या इसी को इंग्लिश में आप लिख लीजिए बेहतर रहेगा, रैंडम, रैंडम एरर। ये आपका इसी में सारी की सारी त्रुटियां रैंडम में आ जाती हैं। पहला आप समझिए, यंत्रों के कारण क्या होता है कि आपके लैब के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी दिनों से रखे रखे जंग पड़ जाता है, तो जंग जब उसमें लग जाता है तो यंत्र सही तरीके से वर्क नहीं करता। जैसे अगर हम एक यंत्र की बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर्स में दो पैमाना होता है, एक वर्नियर पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होता है। वर्नियर पैमाना जो होता है वो मुख्य पैमाने पर जो है आगे पीछे खिसकता है, आगे पीछे उसको हम खिसकाते हैं, आगे पीछे चलाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि अगर उसमें जंग लगा होगा तो वर्नियर पैमाना आगे पीछे कम खिसकेगा, या फिर उन दोनों, क्योंकि वर्नियर पैमाने में अगर जीरो त्रुटि होनी चाहिए तभी वो अच्छा आपका रिजल्ट देगा, लेकिन जीरो त्रुटि अगर कब होगा, जब वर्नियर पैमाने का जीरो और मुख्य पैमाने का जीरो जब हम सटाएं तो एकदम एक सीधे में हो, तब हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी कभार। तो यंत्रों के कारण भी जो होता है त्रुटि हो जाती है। दूसरा है प्रेक्षण के कारण। प्रेक्षण के कारण का मतलब ये हो गया कि प्रेक्षण के कारण का आपको जानकारी नहीं, हमने कहा लय में जाओ प्रैक्टिकल करो, लय में आप जाओ प्रैक्टिकल करो, लेकिन प्रैक्टिकली जानकारी नहीं है, आप जो प्रैक्टिकल करा रहा है उसको भी जानकारी नहीं है, तो इस कारण से भी जो त्रुटि आती है वो आपका एरर में आता है। इसके बाद है रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब होता है आच्छादित। अब ये क्या होता है, यह आच्छादित जो है त्रुटि, यह आच्छादित त्रुटि बताकर नहीं आती है, ये कभी भी आ सकती है। जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते करते अचानक बिजली चली गई, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं,
आप एक किसी रूम के जो है अंदर का जो एयर का वेग माप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, अचानक आंधी चलने लगी, तो वे त्रुटियां जो अनियंत्रित होती हैं उनको हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, वो आपका अनियंत्रण होती हैं, वो किस में आती हैं, रेंडम ईरर में आती हैं। तो ये त्रुटि होने के कारण हैं बहुत सारे। अब हम आगे चलें तो आगे हम जब देखेंगे वो मेन आपका यहाँ से ही आपका क्वेश्चन बनता है कि राशियों में, अब यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, राशियों में त्रुटि, राशियों में त्रुटि। अब राशियों में त्रुटि, राशि में कई टाइप की त्रुटि होती है, पहला नंबर राशियों के योग में त्रुटि, राशियों के योग में त्रुटि। अब यहाँ पे आप समझें, एक एक चीज समझते चलें। जैसे मान ले, माना कि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो राशियां हैं जिनका योग यक्स है, कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो राशियां हैं जिनका योग कैपिटल यक्स है, राशि ए की परम त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए तथा बी की प्लस माइनस डेल्टा बी है। अब यहाँ पे देखें, एक राशि है जिसका योग एक्स है, राशि ए है और ये बी है। अब इसको जब हम परम त्रुटि के रूप में लिखेंगे, परम त्रुटि के रूप में लिखेंगे, रूप में लिखने पर तो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ पे आप देखें, x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। अब इसमें आप देखें तो x प्लस माइनस डेल x इक्वल टू a और प्लस बी को एक साथ कर लेंगे और इधर आपका प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी आपका एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू, इसके प्लेस पर एक्स आप लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये आपका रिजल्ट मिलता है। लेकिन इसमें आपका एक चीज़ समझना होगा कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों चल रहा है, और जब हम त्रुटि निकालते हैं तो नेगेटिव में नहीं निकलता है, वो पॉजिटिव में निकलता है। हमेशा हम लोग मिनिमम नहीं निकालते, मैक्सिमम निकालते हैं। तो मैक्सिमम के लिए आप लिखेंगे अधिकतम त्रुटि, अधिकतम, अधिक से अधिक कितनी त्रुटि हो गई, अधिकतम त्रुटि डेल एक्स इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ये आपका
राशियों के योग में त्रुटि आती है। क्लियर है? ये जो आपका आएगा ये राशियों के योग में त्रुटि होगी। अब हम बात करेंगे, ये तो राशियों के योग में त्रुटि हो गई, थोड़ा सा समझिएगा। अगर यही हम कह दें राशियों के अंतर में त्रुटि, तो यहाँ प्लस के स्थान पर नेगेटिव हो जाएगा, बाकी जो ये प्लस है ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक्स आएगा यहाँ पर, एक्स एक्स फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जब आप अधिकतम लिखेंगे तो रिजल्ट यही आएगा दोनों चीज़ों में, राशियों के योग में और राशियों के अंतर में त्रुटि सेम होती है अधिकतम निकालने के केस में। अब हम आगे जब चलेंगे थर्ड नंबर, वो होगा राशियों के गुणन में त्रुटि। अगर हम मल्टीपल कर रहे हैं किसी भी जो है राशि का, किसी भी नंबर का, तो उसमें त्रुटि कैसी आती है ये आपको समझना होगा। राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अब यहाँ पर देख लें कि सपोज करिए कि यक्स गुणनफल है किसका, ए और बी, ये दो राशियों का गुणनफल है। यक्स जो है ए और बी दो राशियों का गुणनफल है। क्लियर है? ये आपका, अब जब हम इसको लिखेंगे परम त्रुटि के रूप में लिखने पर, परम त्रुटि के रूप में लिखने पर, तो इसमें क्या मिलेगा, आप यहाँ पे देखें यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स इक्वल टू ए को लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को लिखेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लें, एक्स को कॉमन ले लें, तो यहाँ मिलेगा वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये आपका मिलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए इधर है बी इधर है, एक जगह आप कर सकते हैं ए बी वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और ये हो गया वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी। यक्स वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स, अब इस ए बी के प्लेस पर एक्स आप पोर्शन रख सकते हैं, और ये हो गया आपका मल्टीपल कर लें इसका, जब वन में करेंगे तो वही रहेगा वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, इसका जब आप इसमें करेंगे वन का तो प्लस माइनस डेल बी बाई बी, और यहाँ पर आपका प्लस माइनस कॉमन हो जाएगा डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी, ये पोर्शन हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी प्लस माइनस डेल ए बाई ए इन टू डेल बी बाई बी, ये आपका इतना हो जाएगा। प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा,
प्लस वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए हो गया, प्लस माइनस डेल बी बाई बी हो गया, प्लस माइनस डेल ए बाई ए हो गया, और लास्ट में हो गया आपका प्लस माइनस डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी। अब वन से वन कैंसिल आउट आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आगे आप लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये आप लिखने के बाद प्लस माइनस जो ये आपका डेल ए बाई ए इंटू डेल बी बाई बी है, ये वाला जो पोर्शन है आपको समझना है, ये पोर्शन इतना छोटा है इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे हमने कहा कि 0.1 में 0.1 का मल्टीप्लाई करिए। अब आप कहेंगे कैसे? तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.01। अब यहाँ पे देखिए 0.01 छोटा है कि 0.1 छोटा है? 0.01 छोटा है, काफ़ी छोटा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसको निगलेक्ट आप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो आपका आएगा प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई बी। अब यहाँ पर आप जब आप लिखेंगे अधिकतम अधिकतम त्रुटि या अधिकतम संभावित त्रुटि, संभावित अधिकतम परम त्रुटि, तो आपका जो आएगा वो हो जाएगा डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, ये अधिकतम परम त्रुटि आएगी। अगर आपका ये कह दे कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो उस केस में आप लिख लेंगे डेल एक्स बाई एक्स इंटू हंड्रेड, डेल एक्स बाई एक्स इंटू हंड्रेड इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू हंड्रेड प्लस डेल बी बाई बी इंटू हंड्रेड। यहाँ पर ये आपका प्रतिशत की बात कर लेगा। तो ऐसे हम निकालते हैं। हालांकि ये चीज़ें आपको समझना है, मेन मतलब रखना है अधिकतम परम त्रुटि से और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि से। क्लियर है? अब इस पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर हम साल्व करवा रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखें। प्रश्न है ये आपका एक प्रश्न है, क्वेश्चन है। एक लकड़ी की लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, चौड़ाई 0.3 मीटर है, 3 मीटर है, तो लकड़ी के क्षेत्रफल में कितनी होगी ये आपका एक प्रश्न है कि एक लकड़ी की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 0.3 मीटर है, तो लकड़ी के क्षेत्रफल में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। अब आइए इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशन इसका देखा जाए। हमारे पास जो है फार्मूला है, ये है, अब उसी आधार पर हम सॉल्व करेंगे।
लेंथ की बात करेगा L इक्वल टू दिया है 1.5 मीटर। अब इस बेस पर हमको यहाँ पे जैसे A दिया एक राशि है, ये L हो गया, डेल A का मान चाहिए यानी डेल L का मान चाहिए, तो डेल्टा L का मान हम इसी आधार पर लगाएंगे। ये पॉइंट है तो पॉइंट के लेफ्ट में 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट के राइट में आपका 1 बढ़ा लेंगे इस बेसिस। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के लेफ्ट में हमने 0 कर दिया, पॉइंट के राइट में हमने 0 कर दिया, मतलब कि अगर 1.5 है तो ये तो आपका एक नंबर तो कंप्लीट है, ये तो आपका एक फिक्स है, एक नंबर है, एक ये कंप्लीट है, डेढ़ हम कह सकते हैं इसको, एक ये कंप्लीट है, तो एक तो एकदम प्योर है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो बात अब आ गई 0.5 की, तो 0.5 है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो कम से कम कितनी की त्रुटि हो सकती है, 0.1 की त्रुटि हो सकती है, इसलिए डेल्टा L आप ले सकते हैं। चौड़ाई की बात करेगा B इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है। अब डेल्टा B का इसी आधार पे आप निकाल सकते हैं 0.1 मीटर। हमारा पूछ रहा है कि लकड़ी के क्षेत्रफल में अधिकतम कितनी त्रुटि होगी। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल A बराबर L गुणे B, A बराबर L गुणे B, तो इसको आप पहले क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। L की वैल्यू है 1.5, क्षेत्र चौड़ाई की वैल्यू है, B की वैल्यू 0.3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 में, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 4। तो 1 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट पे, यानी 0.45 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको जरा हम त्रुटि के रूप में लिखें तो डेल A बाई A इक्वल टू डेल L बाई L प्लस डेल B बाई B ये हो गया। अब जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे जब इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या रिजल्ट हमारा आएगा ये आप देखें। डेल L बाई L, अब यहाँ पे देखें डेल A बाई A इक्वल टू डेल L की वैल्यू है 0.1 बाई 1.5 प्लस डेल B की वैल्यू है 0.1 बाई 0.3। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे 0.0011 अंक पे है तो हट जाएगा 1/15 धन, यहाँ भी 1-1 अंक पे 0 हट जाएगा 1/3, LCM ले लेंगे 15, 1 हो जाएगा यहाँ आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6/15, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हो गया 3 2 जा 6, 3 5 जा, यानी डेल्टा A बाई A इक्वल टू 2/5। हमको चाहिए क्या, डेल्टा A की वैल्यू ये वाला चाहिए, तो डेल A इक्वल टू 2/5 गुणे A, और A की वैल्यू आपने इधर कहीं निकाला हुआ है, A की वैल्यू 0.45 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा गुणे 0.45, और इससे कैंसिल कर देंगे 5 9 45, तो डेल्टा A इक्वल टू 9 × 18 0.18 मीटर स्क्वायर की त्रुटि होगी। ये आपका त्रुटि ऐसे हम निकालेंगे, क्लियर है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका दो चीज़ बचता है, राशियों के भागफल में त्रुटि और राशियों के घातांकों में त्रुटि,
ये दो चीज बता देंगे, आपका इसमें से क्वेश्चन कोई भी किसी भी टाइप का रहेगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए राशियों के आप भागफल में त्रुटि है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। राशियों के भागफल में जो त्रुटि है वो देख लिया जाए, उसको हम देख लें। राशियों के गुणनफल में हमने देखा, अब हम बात करेंगे राशियों के भागफल, भागफल में त्रुटि, इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक यक्ष है जो भागफल है किसका, दो राशि हैं ए बटे बी का। अब इसको हम जब परम त्रुटि के रूप में लिखते हैं, परम त्रुटि के रूप में जब लिखते हैं, रूप में लिखने पर देखिए ये जो आपका निकाला जा रहा है ये केवल फार्मूला निकाला जा रहा है, और फार्मूला आप निकाल आपके माइंड में है तो आप क्वेश्चन को तुरंत जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे निकला है ये आपका इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। परम त्रुटि के रूप में लिखेंगे तो एक्स इक्वल एक्स प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए अपान बी प्लस माइनस डेल बी, इस फॉर्मेशन में आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से दोनों जगह से x जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो मिल गया वन हो गया, यहाँ नहीं मिला आपका तो भाग पड़ जाएगी। ऊपर से a कॉमन ले लेंगे तो ऊपर हो गया वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, नीचे से b कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ये हो गया आपका। अब a बाई बी यहाँ पर है, a बाई बी का वैल्यू है x, तो इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस माइनस डेल x बाई एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस माइनस डेल a बाई ए, और ये जब ऊपर जाएगा तो वन प्लस माइनस डेल b बाई बी के पावर माइनस वन, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आप चलें तो आगे जब चलेंगे तो ये वाला आपका पोर्शन, ये एक आप पढ़े होंगे मैथ में बाइनोमियल थ्योरम जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय में एक फार्मूला होता है वन प्लस यन एक्स वन प्लस एक्स के पावर माइनस एन, तो इसको लिखते हैं हम वन माइनस एन एक्स। तो उस फार्मेशन में कुछ ऐसे ही ये आपका दिख रहा है तो उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, वन प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए, और ये हो जाएगा वन माइनस प्लस डेल बी बाई बी। मल्टीपल जब आप करें तो क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पे आप देखें इसका जब इसमें करेंगे तो वन प्लस माइनस डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल बी बाई बी, फिर आगे आपका आएगा माइनस प्लस डेल ए बाई ए डेल बी बाई बी, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। और आपको हमने बोला है कि जब प्लस माइनस या माइनस प्लस ये दोनों एक साथ आ जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटी त्रुटि हो जाएगी, इतनी छोटी कि उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए माइनस प्लस डेल बी बाई बी। अब ये जो होगा वो होगा अधिकतम 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 परम त्रुटि, जब आप लिखेंगे तो अधिकतम परम त्रुटि में माइनस छोड़ देते हैं तो डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी,
इस पोर्शन में भी कुछ मल्टीपल का जो आपका गुणनफल में त्रुटि आ रही थी वही आपका भागफल में भी आ रही है, उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में उस पर और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको रिवीजन मारते रहिए, इस पर पढ़ते रहिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाते रहिए। धन्यवाद।